गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन बीए पार्ट सेकंड लोक प्रशासन की पिछली क्लास के अंदर राज्यपाल के बारे में पढ़े थे। अपन ने राज्यपाल के उसके चार पॉइंट पढ़ चुके थे और पांचवा पॉइंट जो आता है राज्यपाल का, उसके अंदर आता है शक्तियां एवं कार्य। इन शक्तियों एवं कार्यों के अंदर पांचवे पॉइंट में भारत में जैसे संघीय स्तर पर संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, उसी प्रकार से राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की भांति संवैधानिक प्रमुख की है, जो सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप में जो सत्ता की शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में निहित होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर जो राज्यपाल होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप के अंदर होता है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में हमारे जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पर संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल के सलाह से ही हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्य करते हैं। इसके अंदर शक्तियों कार्य के अंदर पहला जो कार्य या पहली जो शक्तियाँ आती है राज्यपाल की, उसमें पहली शक्ति आती है कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों के अंदर फिर राज्यपाल का पद हमारे यहाँ पर सर्वोच्च होता है। राज्य के अंदर राज्यपाल का पद सर्वोच्च माना जाता है। राज्यपाल सबसे शीर्षस्थ पद पर कार्यरत राज्यपाल को राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 154, उस संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार प्रदान की गई है, जिन्हें राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। अभी कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? बहुत सारी कार्यपालिका शक्तियाँ हमारे यहाँ पर राज्यपाल को प्रदान की गई है। अब अपन बात करें तो कार्यपालिका शक्तियों के अंदर जैसे हमारे यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो महाधिवक्ता, हमारे राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, उस महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उन विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति कहलाता है। पदेन कुलाधिपति होने के नाते विश्वविद्यालयों के अंदर कुलपति की नियुक्ति करके हमारे राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय के कार्यों का संचालन पूर्ण करवाता है। इसी प्रकार से हमारे और भी अन्य कार्य, जैसे मान लो राज्य के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह की नियुक्ति के क्रम के अंदर राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है। प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होता है, उन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ये सारी जो भी शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां हमारे कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आती है। इसके बाद में कार्यपालिका शक्तियों के बारे में अगर बात करें तो सेकंड नंबर पर आती है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां जो ये है कि राष्ट्रपति को दी गई संसद से संबंधित विधायी शक्तियों की भांति राज्यपाल को भी राज्य विधान मंडलों से संबंधित तथा अन्य आवश्यक विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। तो अपने यहाँ पर जो राज्य के अंदर विधायी शक्तियां होती है वो तो बहुत सारी विधायी शक्तियां होती है और ये सभी विधायी शक्तियां अपने राज्यपाल के माध्यम से पूर्ण की जाती है। इन विधायी शक्तियों के अंदर जैसे हमारे विधान मंडल का सत्र आहूत करना, तो विधान मंडल का प्रथम सत्र होता है, उस सत्र को आहूत करना अर्थात प्रारंभ करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ में सत्र अवसान करना, सत्र अवसान का मतलब हमारे जो विधान मंडल है जैसे केंद्र में होता है वैसे ही हमारे यहाँ पर जो राज्य का विधान मंडल होता है उसका सत्र आहूत करना और सत्र अवसान करना, मतलब सत्र को प्रारंभ करना और सत्र को समाप्त करने का कार्य हमारे यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंदर संविधान का एक अनुच्छेद है 161। संविधान के इस अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, विराम देना या लघुकरण करने की शक्ति
प्राप्त है। ये शक्तियाँ जैसे राज्यपाल के पास में यदि कोई व्यक्ति अगर पहुँचता है जिसको किसी भी प्रकार की सजा मिली हुई है, तो उस दंड को समाप्त करने की शक्ति राज्यपाल के पास में होती है। या विराम देना, कोई ऐसी परिस्थिति है कि वो उस समय अपने दंड नहीं भुगत पा रहा है या सजा नहीं भुगत पा रहा है, ऐसे के लिए उसको उसके दंड को रोक देने का कार्य भी राज्यपाल द्वारा ही नए शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है। या किसी को ज्यादा दंड मिल गया तो उसको लघुकरण कम करने की शक्ति भी हमारे यहाँ पर राज्यपाल के पास में है। ये सारी शक्तियाँ राज्यपाल को नई शक्तियाँ के अंतर्गत मूलतः कोई मजिस्ट्रेट या जज के माध्यम से न्यायिक गुणों को सुधारने के लिए दी गई है, क्योंकि न्यायिक गुणों को सुधारने के लिए ही राज्यपाल को ये न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को भी इसी प्रकार से क्या है, न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के न्यायिक शक्तियों के अंदर केवल एक अंतर पाया जाता है, वो अंतर ये होता है कि राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास में ये शक्ति प्राप्त नहीं है। वो किसी के मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, वो तो केवल राज्यपाल को अन्य किसी दंड को क्षमा करना या विराम देना या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद में अपन तो चौथी शक्ति की राज्यपाल की बात करें, चौथी शक्ति के अंतर्गत आती है स्वविवेक की शक्तियां। स्वविवेक की शक्तियां तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो निर्णय राज्यपाल को राज्य की राजनीतिक या प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेक के आधार पर करने होते हैं, वह स्वविवेक की शक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। स्वविवेकी मतलब स्वविवेकी अपने विवेक के आधार पर जो राज्यपाल अपनी शक्तियों का उपयोग करता है वो स्वविवेकी शक्तियां कहलाती है। इन स्वविवेकी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल इस कार्य के लिए बाध्य नहीं है कि वो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से इन शक्तियों के बारे में कोई सलाह ले। इसलिए ये स्वविवेकी शक्तियां अपने खुद के विवेक के आधार पर दी गई जो शक्तियां हैं वो कहलाती है। जब स्वविवेकी शक्तियों के